बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि जा करके निम्नलिखित p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा p q इक्वल टू नॉट जीरो। समझ में आए क्या नहीं? इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करेगा, एक नंबर क्वेश्चन दिया है 0.9 दिया है, कितना दिया है तीन लाइन में बनाते हैं, तीन तो क्वेश्चन है, तीनों बनाते हैं। क्या है कि जाकर के क्वेश्चन नंबर तीन का एक नंबर है, समझना है क्या नहीं? क्वेश्चन नंबर तीन का क्या है, एक नंबर है, तो क्या हो जाएगा 0.6। तो यहां पर लिख देंगे माना x इक्वल टू 0.6 पर पावर n, कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ, निरंतर ये बढ़ते जा रहा है, यही ना है इसका मतलब। तो क्या हो जाएगा, दोनों और कितना से गुना करने पर, एगो है तो दो, दस से गुना करने पर, समझ में आया क्या नहीं? दस से क्या करने पर, दस से गुना करने पर, दोनों और हम यदि दस से गुना करेंगे तो एक चीज याद रखना कि कितना हो जाएगा यहां, टेन एक्स बराबर इसको इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसको मान लो यहां पर, ये नहीं मान के ऐसे मान सकते हैं और बेटर होगा, तो कितना हो जाएगा 6.6 इस तरह, क्यों 10 से गुना करेंगे तो एगो 6 उठ के इस पर चले आएगा। बोलो सर आप यहां लाए कहां से एगो 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ही हुआ कि 0. इसका मतलब हुआ 6 6 6 6 6, जितना तुम्हारा कलम में इंक है और जितना तुम्हारा कॉपी में पेज है सब भर देगा, फिर भी क्या हो जाएगा, पूरेगा नहीं। समझ में आया क्या नहीं? ये क्या है, ये निरंतर एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बुझा क्या नहीं, ब्रह्मांड देखा है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कभी खत्म होता है? हाँ? मान लो एक ग्रह हमारा है तो दूसरा तारामंडल में दूसरा ग्रह, दूसरा ये सब चीज होगा, फिर तीसरा में भी उसी तरह होगा, चौथा में भी उसी तरह होगा, पांचवा में भी उसी तरह होगा, मतलब हर तरीके के चल जाओ, किसी भी तरीके में चले जाओ, उसमें क्या हो जाएगा, वो ब्रह्मांड की तरह, उसी तरह यहां जितना कलम है, समझा क्या नहीं, जितना कलम है पूरा दुनिया में, सब कलम को ले लो, जितना ये है कॉपी है, सब कॉपी को ले लो, समझ में आया क्या नहीं? बोलता है गुरु, एक कहावत था कि लेखनी करूं वन सारे वनराज को और लिखूं सिहाई करूं सारे समुद्र को, ऐसे कुछ एक था, हमको थोड़ा मिस कर रहे हैं, हमको भूल रहे हैं, बहुत दिन हो गया ना, आजकल वो वाला सब नहीं कर रहे हैं, अब करना चालू किए हैं तो अब याद आ रहा है धीरे धीरे। तो लेखनी करूं वनराज को, सियाही करूं पूरा समुद्र को, और लिखूं कॉपी बनाऊं किसको, कागज करूं पूरा धरती को, फिर भी गुरु गुरु गुण लिखा ना जाए। समझ में आया क्या नहीं? गुरु का गुण जो होता है वो लिख नहीं सकता, समझ में आया, चाहे कुछ भी, गुरु बिन ज्ञान जो होता है ना वो अधूरा होता है, ये बताना चाह रहा था कबीरदास। तो उसी तरह जो है यहां पर भी सेम कंडीशन है, समझ में आया क्या नहीं? पूरा वनराज को जितना लकड़ी जाल पलाया डार डूर है सबको बना दो, जितना पानी पोखर सब घटा दो, लेकिन इसको जो है संतुष्ट नहीं कर सकेगा, समझ में आया क्या नहीं? क्या नहीं कर सकेगा? संतुष्ट नहीं कर सकेगा, समझ में आया क्या नहीं? क्यों? क्योंकि ये खत्म होगा नहीं, होगा क्या नहीं। होगा नहीं, दो दो कितना होता है, कितना होता है दो दो, है कितना होता है दो दो, चार होता है दो दो, कितना होता है, हाँ कितना होता है दीपक, दो और दो, दो और दो कितना होता है, कितना होता है, चार भी होता है पांच भी होता है, सोच लो कैसे ठेकेदारी मास्टर के पास पड़ता है, याद रखना कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि 10x बराबर 6 प्लस 0. ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? आए
इसको लिखने में अगर जाते इसको फिर जोड़ देंगे फिर यही आ जाएगा, होगा नहीं हो गया। तो 10x बराबर 6 + 0.6x मतलब कितना हो गया, ये x होगा नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी माना था, यहाँ लिखेगा नहीं लिखेगा, यहाँ माना था नहीं माना था, माना इतना इक्वल टू इतना ये लिख लिए। अब ये और ये क्या करेंगे, इस पार कर देंगे, कितना आ जाएगा 10x - x बराबर कितना आ जाएगा 6, ये दोनों घटेगा कितना आ जाएगा 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9, तो x बराबर क्या हो गया, ये कटेगा कितना बार में, दो बार में, ये तीन बार में, 2/3। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.6 को पावर बाहर जो है ऊपर में तो p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q एक पूर्णांक है, q इक्वल टू नॉट जीरो, तो जहां p/q के रूप में तो लिख लिए, लिखे नहीं लिखे, p/q के रूप में लिखे, और जहां q इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो है क्या नहीं है, q कितना है, 3 है क्या नहीं है, q तो जीरो नहीं ना है, q इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो, कोई दिक्कत है, समझ में आया। ये हो गया दूसरा नंबर, क्या है कि जाकर के तो दूसरा नंबर क्या है, अब बोल रहा है ये थोड़ा कठिन हार्ड है, बुझा क्या नहीं, ये क्या है थोड़ा, ये क्या है, ये हार्ड है, तो क्या है ये दो नंबर 0.47 पर बार, कोई दिक्कत है, अब कैसे करेगा, कैसे है ना, इसको कैसे करेगा, ये मालूम है, इसको इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा, ये तो कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, माना x बराबर पूरा मान लो 0.47, समझ में आया क्या नहीं, इतना मान लिए, अब क्या हो जाएगा, दोनों ओर क्या करने पर, कितना गुना करने पर, 100 गुना पर, कोई दिक्कत है, दोनों ओर कितना गुना करने पर, 100 गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा, x गुना 100 प्लस 4 बराबर हो जाएगा, गलती हो गया सॉरी, 4.7 पर पावर है ना, 7 पर पावर, 7 पर पावर लिखा सकता है नहीं लिखा सकता है, कोई दिक्कत है, आए ये वाला तो एक तो भीतर घुस जाएगा, समझ में आया क्या नहीं, लेकिन एगो 7 तो रह जाएगा ना, बार तो यहाँ पर बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है 7, 4 नहीं बढ़ रहा है, समझ में आया क्या नहीं, पूरा पर नहीं, ये ध्यान रखना कि यहाँ कितना है, सिर्फ और सिर्फ 7 बढ़ रहा है, समझ में आया क्या नहीं, तो इसलिए सिर्फ इसमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत है, अब क्लियर समझ में आया, इसमें है सिर्फ इसमें नहीं है, समझ में आया, यही फेरा है यहाँ पर, तो अब डायरेक्ट हम जैसे इसको बनाया वैसे तोड़ देंगे तो नहीं टूटेगा, याद रखना, देखो बना के दिखा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 7, यहां तो x ऑलरेडी इसको माना था ना, माना था नहीं माना था, यहां तो है ये नहीं था, टूटेगा ये ताकि इसको तोड़ के तो x लाना, यदि हम चलो कोई बात नहीं इसको लिख देते हैं 0.7, ये तो x है, हम माने हैं ये x नहीं, अब ब्याह करेगा किसी और लड़की से और लेके आ जाएगा साली को, वहां बढ़िया जंट लगेगा, एकड़ी काला था मान लो तुम्हारा वाला ठो, तो तुम क्या करेगा, अपना वाला ठो, पैसा भी लिया, दहेज दहेज भी लिया करवा के, और बोलेगा हो इतो बढ़िया नहीं लग रहा, इट ले आते, लाएगा क्या, लाएगा सबको बिल के भीतर ले जाकर, इंडियन फिल्म में कैसे मारता है, नहीं मारता भीतर में घुसा के नेता सबको पूरा भीतर भीतर मार मार लिया, फिर कपड़ा अपड़ा पहना के बोला हंसिए के बाहर सुन लेकर उसी तरह मारेगा भीतर में और फिर बाहर करे बोले हंसिए तुम हंसेगा और उसके बाद जो है बोले लेके जाइए तब लेके तुम जाएगा वही टू बुझा क्या नहीं बुझा, तो सेम कंडीशन यहाँ पर जो माना है वही ना तुम लिखेगा, तो इसको इसको जो है इस फॉर्म में तब्दील करना होगा, किसको इसको जो है इस फॉर्म में लाना होगा,
तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे बड़ा चीज है इसमें क्या करना होगा, 4 3 43 हुआ, ये 7 को तोड़ना है, इस 7 को तोड़ के निकालना है, समझ में आया क्या नहीं। 4 3 43 हम बाहर कर लिए, तो कितना और बाहर रह गया, आए प्लस इस तरह, दस से गुना करेंगे तो 4 7 दस से गुना होगा, 10x होगा, कितना हो गया, 10 से करेंगे। बुझा क्या नहीं बुझा, तो 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर पॉइंट नहीं लग के यहां पर पॉइंट लगेगा, समझ में आया क्या नहीं। तो अब पॉइंट यहां पर लगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये से हो जाएगा, कोई दिक्कत है आए? अब देखो इसके बराबर आया, आया या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया क्या नहीं। अब इसके बराबर आया 0 इतना, तो ये बराबर कितना हो गया, तैतालीस प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये तो 10x माइनस एक्स बराबर 4.3, तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 4.3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4.3/9 होगा, नहीं हो गया, ये उड़ेगा जीरो आएगा, तो कितना आ गया एक्स बराबर 43/90, पी बटा क्यू के रूप में आया, जहां q इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो, सिंपल सा बात है, अब कोई दिक्कत है तो बोलो, पी बटा क्यू के रूप में लिखाया, थोड़ा सा मेंटलिटी था, ये सब चीज ठीक, लेकिन आज रातें में इतना पेड़ आया है ना, तो जाकर के नींदे नहीं हुआ है, तो जिस वजह से गाहट इस तरह करने लगा, तब हम लास्ट में ऊपर से आकर के बेड तो यहाँ बिछाए हैं, बोले यहाँ बिछा बिछा मेरा बेड तो यहीं, तो फिर इतना छटपट छटपट करने लगा, हम बोले गया गाहट आज, फिर उठा के बाहर ले गया, तो फिर बच्चा उछा दिया था अभी ठीक। तो ये है तुम्हारा जाकर के तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर में बनेगा सबसे ये चीज है कि जाकर के पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा में क्या बनेगा, तीसरा में बनेगा तुम्हारा 1000 से गुणा करना है, देखो कितना है, ये जो सिंपल है, समझ में आया क्या नहीं, एक नंबर की तरह है, x इक्वल टू कितना मान लेगा, 0 0 1 है ना, ये पावर जो है 0.1, ये पावर बोल रहे हैं, बार जो है ये, समझ में आया क्या नहीं। तो वो जो है क्या बोलता है जाकर के 1000 से, अब देखो यहां पर जब ये गो था तो 10 से किए थे, यहां सब टर्म है तो इसलिए कितना से करेंगे, 1000 से, समझ में आया क्या, 3 टर्म है तो 3 को 0 से करेंगे, लेकिन यहां पर ऑलरेडी 1 था तो 1 को 10 से किया, समझ में आया क्या नहीं। हम थोड़ा सा मिस्टेक करके 2 को देखे ना तो बका गए हम, समझ में आया क्या नहीं। तो और क्या बोलता है जाकर के, थोड़ा सा नींद दिमाग भी सेट नहीं है, जाकर के पढ़ाना है, मूड भी नहीं था आज पढ़ाने का, छुट्टी देने का मूड, लेकिन क्या करें, तुम लोग आ गया है, थोड़ा दूर दूर से आया हुआ था तो बोले पढ़ा देते हैं। अब देखो ये हो गया, चौथा नंबर तुमको हैरान कर देगा इसका क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया क्या नहीं, क्वेश्चन का आंसर क्या कर देगा, हैरान कर देगा, बोले कैसे सर। तो देखो चौथा नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है 0.99 ऐसे वाला, समझ में आया क्या नहीं, तो 9 9 9 9 9 9 9 9 चढ़ते जा रहा है, समझ में आया क्या नहीं। तो एगो पे है तो कितना से गुणा करेंगे दोस्त, 10 से ना 100 से ना 20 से ना 30 से ना 40 से ना 100 से, कितना से, ना 1000 से, कितना से गुणा करेंगे, 10 से, तो दोनों और कितना से गुणा करेंगे, दोनों और 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 10 गुना एक्स बराबर
0.99 गुना 10। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है तो उसी तरह क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.9 पर पावर होगा, नहीं हो गया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10x बराबर 9 प्लस कितना x। कोई दिक्कत है? या नहीं तो ऐसे लिखो और बेटर होगा, 0.9। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस x, ये x इस पर आएगा, 10x माइनस x बराबर 9, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, 9, तो x बराबर क्या होगा, 9/9, कहानी खत्म, x बराबर। कोई दिक्कत? आंसर नहीं लगता है कि जाके थोड़ा सा आश्चर्य कर दिया है ना? बाहुबली वाला एक्सप्रेशन देखा था, नहीं देखा था, कुमार वर्मा का, तलवार ऐसे चलाते हैं, हड़ास कर मारता लकड़ी तो जाता दो टुकड़ा, बुझा नहीं बुझा? तो यहां पर दिख रहा है कुछ और, आंसर आया कुछ और, तो तुमको भी वैसे नहीं लगता? बुझा क्या नहीं, एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा अलग हो गया, ये हो गया, समझ में आ रहा है दोस्त? तो एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया, ये कितना नंबर का है, चार नंबर का। एक नंबर दो नंबर मतलब ये एक नंबर का, दो नंबर, तीन नंबर, नहीं नहीं सर, तीन नंबर का, एक नंबर, दो नंबर और एक तीन नंबर का, वो जो बताए बड़े तुम लोग बना लेना, और चौथा नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, समझ में आया क्या नहीं? आश्चर्य कर दिया, समझ में आया क्या नहीं? तो हाँ आश्चर्य में डाल दिया, क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया, घूम फिर के एक आ गया, समझ में आया क्या नहीं? इसलिए थोड़ा सा आश्चर्य में डाल दिया। उसके बाद पांच नंबर में बोल रहा है 1/17 को भाग देके बताइए, बात बुझा? तो 1/17 को भाग देके बताइए, इसको बोल रहा है, तो 1/17 को भाग दे देना, 17 को कैसे भाग देगा, 17/1 हो गया, पॉइंट वाला भाग देना है, जब तक पुनराय ना आए, इतना बड़ा आएगा कि एक पेज पूरा लगेगा, बात बुझा क्या नहीं बुझा? पूरा एक पेज आएगा तब जो है पुनर्गमय, फिर से वापस जहां से शुरू किया था वहां आएगा, मतलब ये शुरू कहां से करेंगे, 0 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, एक है ना यहाँ पर, तो 0 पॉइंट कितना हो गया, यहाँ 0 लगाए होगा, नहीं फिर एक 0 लगाएंगे तभी होगा, कितना बार में, 5 बार में, 85, 5, 15 आया नहीं आया, फिर पॉइंट से 1 0 150, फिर 17 भाग लगाएंगे, फिर आगे चलते जाए, एक लाने के लिए पूरा एक पेज लगेगा, कितना लगेगा, एक पेज, बड़ा बड़ा एक पेज लगेगा, हम छोटा छोटा लिखेंगे ना, ना मीनू क्या लिखेंगे, हम छोटा छोटा लिखेंगे, बड़ा एक पेज लग जाएगा, आधे पेज में हम पूरा देंगे, देखेंगे मास्टर को हम गलत, वो तुम्हारा मैटर है हमारा नहीं, समझ में आया क्या, लेकिन इस तरह बना लेना, समझ में आया क्या नहीं? तो एक नंबर से लेकर के 5 नंबर तक बना लेना, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, समझ में आया क्या नहीं? ये सब जो है तुम लोग 8 नंबर का देखो, बोलता ऐसी 3 परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती है, वो 7 नंबर का हम क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, तो 7 नंबर का बोल रहा है, तो अनवासनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार लिखने बोल रहा है, कुछ भी तुम लिख सकता है अपना मन से, ऐसे लिखो ना 0.1001, फिर 0, फिर 0, 1, 0, 0, 0, 1, बढ़ाते चलो, फिर 1 के जगह पे यहाँ 2 लगा दो, फिर 2 के जगह पे यहाँ 3 लगा दो, 3 को हुआ नहीं हुआ, हो गया अनवासनीय अनावर्ती, कोई दिक्कत है या नहीं? तो ऐसे लिखो 0.1011, 0111, 0111, 0111, इस तरह करके बढ़ाते चलो, ये भी इसी जगह पे 1 के जगह पे 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो कितना नंबर बन गया, 7 नंबर बन गया, कोई दिक्कत है? उसके बाद 8 नंबर देखो, बोलता है इसका और इसके बीच परिमेय संख्या लिखिए, समझ में आया क्या नहीं? किसके और किसके बीच परिमेय संख्या लिखने बोल रहा है, 5/7 और 9/11 के बीच परिमेय संख्या लिखिए, तो 5/7 और 9/11 के बीच दोनों को भाग लगा देना, जितना में पुनरावृत्ति आएगा, आता है ना पुनरावृत्ति कुछ में, फिर से वापस वही तो आएगा, नहीं आएगा,
जैसे यही लगा रहा था तो ये लगा करके कुछ ना कुछ यहाँ तक में जाकर के फिर यहाँ पर ऊपर में ये लग जाएगा, समझ में आया क्या? फिर से रिपीट करेगा तो वही आएगा, फिर से रिपीट करेगा वही आएगा, तो ये भी कुछ में आएगा, समझ में आया क्या नहीं? और कितना है 9/11, उसको भी भाग लगाएगा तो वही रिपीट करेगा तो वही आएगा, उसके बीच वाला सब निकाल निकाल कर पॉइंट में जब कर लेना और बीच वाला सब जो जो होगा वो लिख देना, हो गया आंसर, कोई दिक्कत है? लेकिन पुनरावृत्ति वाला लिखना, समझ में आया क्या नहीं? ऐसा नहीं लिख देना कि पुनरावृत्ति जो नहीं है उसको नहीं लिख देना, नहीं तो बस गलत हो जाएगा, ये बता दिए, खाली इस तरह लिख के छोड़ दिए। ये क्या है? ये है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसके ऊपर ऐसा लग गया तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, समझ में आया क्या नहीं? तो इस तरह लिखना होगा, बात बुझा? तो ये हो गया। बोलता बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो जिसका रूट नहीं टूटेगा, एक नंबर देखो रूट टूटेगा तो इसका रूट कोई तोड़ सकेगा? तो ये वाला हो गया अपरिमेय संख्या। 225 टूटेगा 15 × 15, है ना? तो 15 × 15 = 15 निकल रहा था, यानी कि यह परिमेय संख्या है। ये वाला देखो, यहाँ पर देखो फिक्स है ना, शांत है, दशमलव प्रसार है ना, नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? लेकिन ये वाला अशांत है ना, नहीं है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये वाला अपरिमेय संख्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। जाओ बना के ले आना।